हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल नितिका स्टडी पॉइंट और मैं हूँ नीति आप आज इस वीडियो से जान पाएंगे कि कसे रुक दंड या कॉलम या बैकबोन जो है वो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी होगा कि आखिरकार वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है और ये जो बोन है वो हमारे बॉडी में कहाँ पाई जाती है अगर वर्टिब्रल कॉलम का लोकेशन हम बॉडी में देखें तो हमारे बॉडी में पीछे साइड एक लंबी बोन पाई जाती है जिसे वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है इसका अगर स्टार्टिंग इस पॉइंट देखते हैं तो वो हमारे स्कल से होगी और लास्ट पॉइंट अगर देखते हैं तो कमर के नीचे जहाँ पे पूछ पहले पाई जाती थी अब इंसानों में नहीं पाई जाती जानवरों में पाई जाती है वहाँ पर होती है मतलब कि पूरे पीछे साइड को ये बोन जो है वो आ, कवर करती है स्टार्टिंग हमारे स्कल के ऑक्सीपिटल वाले बोन से होगी और लास्ट जो छोर है वो है हमारे पूंछ वाले हिस्से में और इसे ही वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है वर्टिब्रल कॉलम जो है वो छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है जिसे यहाँ पे वर्टिब्रिस कहा जाता है तो वर्टिब्रल कॉलम की हड्डियाँ जो हैं उन्हें क्या कहा जाएगा वर्टिब्रिस कहा जाता है और एडल्ट में ये ट्वेंटी सिक्स होती हैं बट बच्चे में ये थर्टी थ्री होगी जैसे जैसे बच्चा एडल्ट तक पहुँचेगा ये जो थर्टी थ्री वर्टिब्रिज हैं जो कि वर्टिब्रल कॉलम को बनाती हैं वो ट्वेंटी सिक्स ही रह जाती हैं जिसको आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर हो गया पीछे बोन बैक बोन पाई जाती है जिसे वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है उनकी छोटी छोटी हड्डियाँ जो हैं उन्हें वर्टिब्रिज कहा जाता है ट्वेंटी सिक्स एडल्ट में और थर्टी थ्री जो है वो छोटे बच्चे में चलिए अब यहाँ पे देखते हैं ये जो हमारे वर्टिब्रिज हैं ट्वेंटी सिक्स उनको किस नाम से पुकारा जाता है सबसे पहले तो होगा सर्वाइकल वर्टिब्री ये हमारे नेक वाले एरिया में पाए जाते हैं और इनकी संख्या सात होती है सात संख्या में होगी हमारे गले या नेक का जो पिछला हिस्सा है वहाँ पे ये सेवन वर्टिब्रिज प्रेजेंट होते हैं और इनकी संख्या सात है और इस जो वर्टिब्रिस हैं जो कि सात संख्या में है उसके जो फर्स्ट वाले वर्टिब्री है उसको यहाँ पे एटलस कहा जाता है और दूसरे वाले जो वर्टिब्री है उसको एक्सिस कहा जाता है बाकी को यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल नेक वर्टिब्री कहा जाएगा तो फर्स्ट वाला एटलस दूसरा एक्सिस इसको सर्वाइकल या फिर जो नेक वाले वर्टिब्री हैं उनको कहा जाता है नेक्स्ट यहाँ पे हो नेक्स्ट जो हमारा वर्टिब्रिज है उन्हें कहा जाता है थोरेसिक वर्टिब्रिज ये हमारे सीने या फिर चेस्ट वाले एरिया में पाए जाते हैं अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा चेस्ट वाला हिस्सा है मतलब कि ये आगे की ओर कहीं थोड़ी पाए जाते हैं ऐसा नहीं होता ये हमारे बैक साइड में ही पाए जाएंगे बट ये हमारे सीने वाले भाग में प्रेजेंट होते हैं इनको यहाँ पे बारह इन इनको यहाँ पे बारह जो नंबर है वो दिया गया है मतलब कि हमारे थोरेसिक से की अगर संख्या देखें तो वो बारह व होते हैं और ये जो बारह हमारे थोड़े से वर्टिब्रिज हैं वो बारह रिब्स या पसलियों से जुड़ी हुई होती हैं नेक्स्ट अगर देखेंगे तो उसे कहा जाता है लंबर वर्टिब्रिज ये हमारे कमर में पाए जाने वाले वर्टिब्रिज होते हैं इनकी संख्या यहाँ पे पाँच होती है ये याद रखिए जो कमर में पाए जाने वाले वर्टिब्रिज वर्टिब्रिज हैं जिन्हें लंबर कहा जाता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन्हीं वर्टिब्रिज जो कि पांच बोन्स होती हैं उनमें पूरे शरीर का भार पाया जाता है तो आप अपने दैनिक जीवन में सुनते ही होंगे कि कमर में दर्द होना चालू हो गया है या फिर कोई इंसान अगर मोटा हो तो उसके कमर में बहुत ज़ोरों से दर्द होना चालू हो गया है ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पूरे शरीर का वजन अगर बढ़ जाए नॉर्मल बॉडी वेट जो है उससे बढ़ जाए तो पूरा जो शरीर का भार है वो हमारे लंबर व पे पड़ता है जिससे कि लंबर वर्टिब्रिज में दबाव या प्रेशर बनता है और हमारे बैक जो कमर है उस एरिया में पेन होना चालू हो जाता है तो लंबर वर्टिब्रिज जो है उनमें पूरा बॉडी का जो वेट है वो क्या होता है पूरा बॉडी का जो भार है वो पड़ता है नेक्स्ट अगर देखें तो उसे कहा जाता है सैकेरल वर्टिब्रिज इनकी अगर संख्या देखें तो ये भी हमारी एक होती हैं नेक्स्ट यहाँ पे होगा अगर सैकेरल का देख लेते हैं ये किस एरिया में पाए जाएंगे तो कमर के नीचे ये पाए जाते हैं नेक्स्ट अगर देखेंगे तो उसे कहा जाता है कॉक्सिक्स और इसकी संख्या भी एक होती है यहाँ पे जान जान लीजिए जो कॉक्सिक्स कॉक्सिक्स है वो हमारा अवशेषी अंग है फिलहाल इसका कोई यूज़ नहीं था पूर्वज जो हमारे थे उनमें इसका यूज थे यूज़ था तो इस प्रकार से हमारी पांच टाइप के वर्टिब्रिज हो जाते हैं पहला है सर्वाइकल दूसरा है थोरेसिक तीसरा है लंबर चौथा है सेकेरल और पांचवा है कॉक्सिक्स तो इस प्रकार से पांच हो गए अगर यहाँ पे हम देखते हैं जो छोटा बच्चा है नन्हा मुन्ना बच्चा है उसमें ये जो हमारे वर्टिब्रिज हैं वो किस प्रकार से पाए जाते हैं बच्चे में जो सर्वाइकल वर्टिब्री है वो तो सेवन ही होगा थॉरेसिक वाला वट है वो भी ट्वेल्व या फिर बारह होंगे नेक्स्ट अगर देखें, लंबर वो भी यहाँ पे सेम होते हैं फाइव बट यहाँ पे चेंजेस आता है हमारा सैकेरम और कॉक्सिक्स अगर सैकेरम को देखते हैं तो बच्चे में एक के बजाय यहाँ पे पाँच जो वीब्री है वो पाया जाता है बट जैसे ही बच्चा एडल्ट होते जाता है बड़ा होते जाता है ये पाँचों जो हमारे वर्टिब्री हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और केवल एक सेकेरम वर्टिब्री बन जाता है उसी प्रकार अगर देखें तो जो कॉक्सिक्स है उसकी संख्या भी बच्चे में चार होती है बट जैसे जैसे बच्चा एडल्ट के फेस में पहुँचेगा ये केवल एक ही रह जाता है तो बच्चे में थर्टी थ्री और एडल्ट में ट्वेंटी सिक्स हो जाते हैं अगर यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारा जो बैक बोन है वो किस प्रकार से दिखाई पड़ता है दिमाग में अगर ये आ रहा है कि ये पूरा स्ट्रेट होता है ऊपर से नीचे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ये स्ट्रेट नहीं होता है इसमें अलग अलग कर्वेचर पाए जाते हैं और इसकी शुरुआत होती है बच्चे से या फिर जो छोटा बच्चा है उससे जब छोटा बच्चा पैदा होता है तब उसका जो बैकबोन है जिसे वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है वो कनकेव होता है बट बच्चा जब सिर हिलाना चालू करता है अपने हाथों और पैरों की हेल्प से ज़मीन में रेंगना चालू करता है तब इसमें थोड़े से बदलाव होने चालू हो जाते हैं मतलब कि नए जो करविचर हैं वो बनना चालू हो जाते हैं तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो बच्चा का जो बैक बोन है वो कर्नकव होगा बट बच्चा अब सिर हिलाना चालू कर चुका है जब वो सिर हिलाएगा तो इस कसे दंड का जो स्टार्टिंग पॉइंट है जो हमाला, हमारा हमारा नेक वाला एरिया है वहाँ पे एक कर्व बनेगा और इसे कहा जाएगा हमारा सर्वाइकल कर्वेचर पहले तो यहाँ पे ये जो कर्व या फिर कहें हमारा जो कर्वेचर है वो पहले से ही प्रेजेंट था बट यहाँ पे सेकेंड जो कर्वेचर बना उसे कहा जाता है हमारा सर्वाइकल जो कि नेक वाले एरिया में बनता है जो पहले से प्रेजेंट था वो था हमारा थोड़े सी कर्वेचर जो कि हमारा चेस्ट वाले एरिया में प्रेजेंट था बट इसमें थोड़ा सा कर्व बन गया ऊपर के साइड और यहाँ पे नया जो आ, कर्वेचर है वो बन गया नेक्स्ट अगर देखेंगे तो अब बच्चा अपने चारों जो दो हाथ और दो पैर की हेल्प से ज़मीन में रेंगना चालू करता है अब यहाँ पे हमारा जो बैकबोन है उसमें पीठ के और एक और कर्वेचर बनता है जिसे कहा जाता है लम्बर कर्वेचर और नीचे की ओर का जो कर्वेचर बनेगा उसे कहा जाता है सेकेरल कर्वेचर तो इस प्रकार से इसमें चार कर्वेचर पाए जाते हैं पहला है सर्वाइकल जो कि नेक वाले एरिया में पाया जाएगा नेक्स्ट है थोरेसिक कर्वेचर जो कि पहले से ही बच्चे में प्रेजेंट होता है नेक्स्ट है यहाँ पे लंबर और उसके बाद है सैकेरल कर्वेचर तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारे जो बोन हैं बैक बोन्स हैं वो पूरा स्ट्रेट नहीं होता है उसमें अलग अलग कर्व पाए जाते हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो हमारे ट्वेंटी सिक्स वर्टिब्रिस् हैं उनके आप आपस में जो जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर एक डिस्क प्रेजेंट होता है जिसे इंटर वर्टिब्रल डिस्क कहा जाता है और इसी डिस्क की हेल्प से ये सारे वर्टिब्रिज जो हैं वो आपस में जॉइंट होते हैं अगर यहाँ पे ये जो डिस्क हैं वो प्रेजेंट नहीं होते तो हमारे जो बोन्स हैं वो आपस में यहाँ पे घिसना चालू हो जाते जिससे कि हमारा जो वर्टिब्री या ये छोटे छोटे जो बोन्स हैं वो यहाँ पे ख़राब होना स्टार्ट हो जाते जिससे कि हमारा पूरा बैक बोन जो है वो काम करना धीरे से बंद कर देता बट इन्हीं इंटरवर्टिब्रल डिस्क की हेल्प से ये जो हमारे वर्टिब्रीज हैं वो आपस में जॉइंट होते हैं और इन वर्टिब्री को आपस में घिसने से बचाते हैं और हमारा जो बैक का बोन है वो सुरक्षित रहता है चलिए देखते हैं फंक्शन क्या होगा बैकबोन का तो सबसे पहले तो ये हमारे स्कल को अपनी जगह में बनाए रखता है हमारा जो बैकबोन है वो स्कल के ऑक्सी ऑक्सीपिटल वाले जो बोन है उसके साथ जॉइंट होता है और नीचे की ओर ज़्यादा जाता है तो यहाँ पे जो हमारा स्कल है उसको ये अपने जगह में बनाए रखता है सेकंड अगर देखेंगे तो ये हमारे पूरे बॉडी को एक लाइन में अरेंज करता है जिससे कि हमारा पूरा जो बॉडी है वो ऊपर से नीचे एक लाइन में अरेंज रहते हैं नेक्स्ट अगर देखेंगे तो ये रिब्स और स्टर्नम को सहारा देता है हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे जो चेस्ट वाले व हैं जिसे कि थोरेसिक व कहा जाता है वो किसके साथ जॉइंट रहते हैं रिप्स के साथ जॉइंट रहते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये पसलियों या रिप्स और इस्टरनम को भी सहारा प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट अगर देखेंगे तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो है उसकी भी रक्षा करते हैं नेक्स्ट अगर देखते हैं तो हमारे पूरे बॉडी में मूवमेंट इसी की वजह से होता है अगर हम अपना नेक हिला सकते हैं इधर उधर कर सकते हैं हमारा जो पीठ है उसको थोड़ा सा इधर उधर मूवमेंट कर सकते हैं तो वो केवल वर्टिब्रल कॉलम की हेल्प से ही कर सकते हैं और अगर देखें तो ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उसकी भी सुरक्षा यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करते हैं और हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है वो सुरक्षित रहते हैं तो इस प्रकार से इसके जो फंक्शन है वो हो जाते हैं दोस्तों आज का वीडियो इतना ही चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो से रिलेट रिलेटेड अगर यहाँ पे देखा जाए हमारे जो वड्डी कॉलम है तो हमारे कमर वाले वडी को क्या कहा जाता है ऑप्शन होंगे यहाँ पे थोड़ेसिक लंबर सैकेरम आंसर कमेंट करके दीजिए जरूरी दीजिए वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए थैंक यू सो मच